तो सीधे चलेंगे जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की कमिटमेंट है, हम कच्चे कर्मचारियों का मतलब होता है उनका शोषण, जब भी हमें जिस भी सरकार में मौका मिलेगा, जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये कच्चे वाला सिस्टम भी धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की दो ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी, और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई कर, अलग अलग किस्म के केवल सफाई कर्मचारी नहीं, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नजर आते थे, हड़ताल करते नजर आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफी मशक्कत करने के बाद कई गलत चीजों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में, और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है। पिछले 3-4 महीने से ऐसे होने लगा कि अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला चालू हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी त्योहारों का सीजन है, अभी अभी नवरात्रि गए हैं, दशहरा गया है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिवाली आने वाली है, दिवाली के मौके पर यह बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा काली पूजा अभी हुई है, सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और भगवान आप सब लोगों को खुश रखे, आपके परिवार के लोगों को स्वस्थ रखे, खूब बरकत दे और आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे। नमस्कार। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, उनकी तरफ से कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है दिवाली के अवसर पर।